तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिटी स्क्वायर, जहाँ कार सोबाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो मारुति सुजुकी डीजल इंजन लाने वाली है वो किन किन मॉडल में किन किन कार में लेके आएगी, और जानेंगे इसी वीडियो में कि कब आने वाला है। और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ और कार की रिव्यू वगैरह सारी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, तभी हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हम आपको अच्छी अच्छी अपडेट देते रहें और अच्छे अच्छे कार्स के सारे भी फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको हम बताते रहें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीजल इंजन किस किस मॉडल में यहाँ पे आने वाला है। तो एक तो सबसे पहले जो मॉडल है वो है यहाँ पे मारुति सुजुकी सियाज, जो सेडान कार है जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, इसमें डीजल इंजन आने वाला है। और जो दूसरी कार है वो है यहाँ पे मारुति सुजुकी इर्टिगा। मारुति सुजुकी इर्टिगा में भी डीजल इंजन आने वाला है, क्योंकि मारुति सुजुकी इर्टिगा में पहले ही डीजल इंजन आता था, और क्योंकि वो कमर्शियल वे में ज़्यादा बिकती है, कमर्शियल टाइप में ज़्यादा बिकती है वो कार, तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से उसमें डीजल इंजन ला रही है, क्योंकि वो डीजल इंजन ही ज़्यादा बिकती थी मारुति सुजुकी इर्टिगा। और सियाज की बात करें तो सियाज में भी डीजल इंजन यहाँ पे आने वाली है। और जो नेक्स्ट मॉडल है, जो नेक्स्ट कार है वो है यहाँ पे मारुति सुजुकी एस क्रॉस, तो ये भी यहाँ पे डीजल इंजन में आने वाली है। और जो नेक्स्ट कार है वो है यहाँ पे मारुति सुजुकी XL6, तो ये भी यहाँ पे डीजल इंजन में आने वाला है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डीजल इंजन कितने लीटर का होगा। तो डीजल इंजन यहाँ 1.5 लीटर का यहाँ पे डीजल इंजन यहाँ पे लाने वाली है। एंड खबर ये भी आ रही है कि विटारा ब्रेजा भी शायद इस इंजन के साथ डीजल इंजन में उतारे हैं। अब बात करते हैं कि कब लॉन्च होने वाला है। तो न्यूज़ में यही निकल के आई थी कि इस साल की लास्ट में नवंबर दिसंबर के आसपास लेके आ सकते। सो आज की वीडियो में इतना ही, कार्स और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं।